अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट स्टेप हरीसे का जो है वो ध्यान से मिक्सिंग करने का है। आपने जो दलिया और चावल का पेस्ट बनाया हुआ था और दूसरी तरफ गोश्त को जो आपने पीस लिया था, कूट लिया था, गोश्त को कूट लिया था और थोड़ी सी यखनी बच गई थी, ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स कर दी। और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 लीटर पानी और डाला ताकि जो मैंने चावलों का पेस्ट डाला वो भी अच्छी तरह पक जाए। अब ये पक चुका है। अब तकरीबन ये देखें हर चीज़ इसमें एग्जैक्ट हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल लिशी वाला है, रेशे वाला। ये देखें हरीसा तैयार है। मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए ये मदानी की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट करती रहूंगी। आपने अच्छी तरह इसको मदानी से मिक्सिंग करनी है। व्यूअर्स, गोश्त को अच्छी तरह इस सारे मिक्सर में इस तरह करके आपने दबाना है, ये देखें ऐसे, ताकि इसकी लंप्स ना बने, गोश्त के गुठली की शक्ल में ना गोश्त रह जाए। मैं इसको अच्छी तरह दबा रही हूँ और नीचे से हलाना भी है ताकि नीचे से भी लग ना जाए। आग बिल्कुल हल्की आंच पे रखनी है और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने ऐसे ही ये मदानी को चलाते रहना है। 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए आपने इसको अच्छी तरह बनाना है। इसके बाद आपने प्याज और अदरक का देसी घी में तड़का लगा देना है। देसी घी थोड़ा सा लें, उसमें प्याज और अदरक दोनों अच्छी तरह फ्राई कर लें और इसके ऊपर स्प्रिंग कर दें, बिखेर दें, तड़का लगा लें। इसमें नमक मिर्च आप अपनी जायके के मुताबिक रख सकती हैं। बाज़ लोग कम नमक मिर्च इसमें पसंद करते हैं। अगर नमक मिर्च की कमी बेशी हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये पकने के करीब है और इसमें आप लाल मिर्च नहीं डाल सकते, काली मिर्च पिसी हुई हो तो वो डाल सकते हैं और इसमें नमक सेट कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर मैं इसको मदानी चलाती रहूँगी आधे घंटे तक, उसके बाद फिर आपको इसकी फॉर्म बताती हूँ कि शेप कैसी बनी। जी व्यूअर्स, अब आपने करना क्या है, एक बड़े साइज का प्याज लिया मैंने और उसमें ये देखें 2 सालन वाले खाने की चम्मच भर के मैंने इसमें घी का डाल दिया है। घी का तड़का लगता है इसको, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, बनस्पति घी भी डाल सकते हैं। हरीसे को तड़का प्याज का और अदरक का लगता है। अदरक भी बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स में काट लें, 1 इंच का टुकड़ा लें, उसको बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स में काट लें, खुशबू के लिए पड़ेगी इसमें। और दूसरी तरफ ये देखें हरीसा तैयार हो चुका है। ये देखें इसको फाइन शेप है, ये देखें आप देखिए के साथ चिपक नहीं रहा, इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह इसमें से पानी भी खुशक हो चुका है और इसने लेसदार हो गया है। ये देखें, ये देखें इसमें इसका पानी अच्छी तरह मैंने खुशक कर लिया है। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इसका पानी खुशक करने में, बहुत गाढ़ा हो गया, बहुत थिक कर लेना। ये देखें कि चम्मच के साथ चिपका भी उतर नहीं रहा और देगची को जब घुमाते हैं तो साथ ही ये हरीसा, ये देखें ये सारा हरीसा साथ ही चिपक के आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। नमक मिर्च आप इसका सेट कर लें, मेरा नमक मिर्च बिल्कुल सेट था। दूसरी तरफ मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। तो आपने जो ऑयल डालना है 2 सालन वाले खाने के चम्मच भर के डालने हैं आपने घी के। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हल्की हल्की तैयारी पर आ गया है, अभी ब्राउन नहीं हुआ लेकिन ब्राउन होने के करीब है। अब मैं इसमें मुट्ठी भर अदरक डाल दूंगी जो मैंने स्ट्रिप्स की शेप में काटी हुई थी और मैं इन्हें फ्राई कर लूंगी। प्याज और अदरक दोनों इकट्ठे अब फ्राई हो जाएंगे, एक ही टाइम में दोनों फ्राई हो जाएंगे। मैंने मोटी स्ट्रिप काटी थी अदरक की, आपने मोटा काटना है, बारीक स्ट्रिप्स नहीं काटनी, बारीक टुकड़े में नहीं काटना। मोटा काटेंगे तो प्याज के साथ ही जल्दी फ्राई हो जाएगा, अगर बारीक काटेंगे तो वो जल्दी गल जाएगा, जल भी जाएगा
और प्याज नहीं गलेगा। जी व्यूअर्स देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैंने इसे ज़्यादा ब्लैक शेप में नहीं देना, सुनहरी गोल्डन करना है, सुनहरी ब्राउन करना है। वो ये देखें हल्का सुनहरी रंग का हो गया है। अब मैं इसे हरीसे में इसका तड़का लगा दूंगी। जी व्यूअर्स अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। ये मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रखा हुआ था। ये देखें नीचे से बिल्कुल नहीं लग रहा। अब मैं इसमें ये तड़का डाल दूंगी। जी व्यूअर्स बिल्कुल एहतियात से चम्मच चलाइएगा ताकि घी का छींटा ना पड़ जाए, छींट ना पड़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हरीसा रेडी है। नीचे से भी पक रहा है और ऊपर से भी, ये देखिए बिल्कुल रेडी है, जबरदस्त खुशबू आ रही है। अब ये बिल्कुल रेडी है, मैं इसे डिश आउट कर दूंगी। जी व्यूअर्स मैंने डिश आउट कर दिया। ये देखें देसी घी की के साथ मैंने इसकी गार्निशिंग की है और ये देखें इसके साथ ये प्याज जो मैंने फ्राई किया हुआ था, ये पुदीना, ये धनिया, ये अदरक और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, ये सब इसकी गार्निशिंग के लिए है। आप इसके साथ जब भी इस्तेमाल करें ये गार्निशिंग ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त रेसिपी जो कि हरीसा मैंने होममेड बनाया है आपको पसंद आया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके क्वांटिटी या कोई चीज़ पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं मेरे वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ देखने से पहले, वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, थम्स अप करें। तो जी व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।